मौका मिला गया तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं नेता बनूं तो पार्लियामेंट या जिस सभा में जाऊं उस सभा की सारी अटेंडेंस मेरी 100% हो। तो एक समय था जब छात्र आंदोलन से जुड़े थे, शायद जेल भी गए थे। मैं उतना ही इमोशनल हूँ। अभी मैं बोल रहा था ना कि मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे आचरण में और मेरे बिहेवियर में त्रुटि ना हो, तो मैं यहाँ तक भर आया था। मैं प्रवचन बहुत पढ़ता हूँ यार, ये लिस्टर है, वो बी लिस्टर है, पता नहीं ये लिस्ट किधर बनता है, स्टॉक एक्सचेंज में बनता है क्या लिस्टर, कि ये लिस्टर कौन है और बी लिस्टर कौन है। सर नमस्ते, नवभार टाइम्स में आपका स्वागत है। और धन्यवाद, सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस 3 के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका और नवभारत टाइम्स का। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के कसाई हो या कालीन भैया हो, तो और अब माधव मिश्रा, तो आप अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में इन अलग अलग किरदारों को कैसे अडॉप्ट करते हैं? स्क्रिप्ट मिलती है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम बना देते हैं और डायरेक्टर अलग होते हैं तो वो लोग करवा लेते हैं, तो और इसकी लेखनी अलग है, इसके राइटर्स अलग हैं, तो ये मेरे अभिनेता के काम में बहुत लोगों का योगदान है। दिखते हम हैं लेकिन उसमें कॉस्ट्यूम का, मेकअप का, लुक का, डीओपी का, राइटर्स का, एडिटर्स का, साउंड डिजाइनर का, तो दिखते हम हैं लेकिन उसके पीछे, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, तो उनके योगदान से मैं अलग कर लेता हूँ। मेरे अभिनय के संग संग टेक्निकल टीम का भी क्रेडिट है अलग अलग किरदार को करने में। सर, ओटीटी के बारे में अगर बात करें तो ओटीटी ने शुरुआत में स्ट्रगलिंग एक्टर्स को एक बड़ा विकल्प दिया था, और आज इसकी ताकत को देखते हुए ए लिस्टर एक्टर्स हो या बड़े बड़े कलाकार हो, सब इसके इसमें अब एंट्री ले रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एक बार फिर ये छोटे कलाकारों का ये विकल्प छिन सकता है? नहीं, पहले तो कलाकार कलाकार होता है, छोटे बड़े उसको बाजार बना देता है, ये लिस्टर है, वो बी लिस्टर है, पता नहीं ये लिस्ट किधर बनता है, स्टॉक एक्सचेंज में बनता है क्या लिस्टर, कि ये लिस्टर कौन है और बी लिस्टर कौन है, तो ये गिमिक्स है बाजार का जो लिस्टर बनाता है। कलाकार कलाकार होता है, ठीक है कि वो उसमें तंत्र मार्केटिंग हवा लगता है, ऐसा नहीं है। आप देखो ना, आप डिजिटल आने से ओटीटी आने की यही खूबसूरती है कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन से लिस्ट का एक्टर हूँ, और मैं ईमानदारी पूर्वक अपना काम किए जा रहा हूँ और दर्शकों से अथाह प्रेम पाता हूँ और उतना ही भाव विभोर होता हूँ, शुक्रगुजार होता हूँ कि धन्यवाद इन प्लेटफॉर्म्स का कि लोग प्यार कर रहे हैं, और वो बड़ा बड़ा म्यूचुअली है कि पहले फिल्मों में दो सीन मिलते थे, वो दो सीन लोगों ने पसंद किया तो फिल्म वालों को लगता है यार इसको पसंद किए तो इसके इसको थोड़ा चार सीन दे दो, फिर चार सीन पसंद किया तो मेरा एडमिरेशन और प्रेम सिनेमा फिल्म मेकर्स और दर्शकों का साथ बढ़ रहा था। मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आप देखो ना, वो दुर्गेश और वो लड़का अपना दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक विनोद जी, इतने चर्चे में है, वो चंदन तो हो ये लोग। हाँ, तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अच्छा अभिनेता होगा, ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म ज्यादा है, वहां उसको लोग देखेंगे और बातें करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो सर, गोपालगंज के बेलसन गांव से निकलकर पटना आए जब आप, और जब पहली बार आप दिल्ली आए, तो शहर को देखकर, लोगों को देखकर पहला रिएक्शन क्या था आपका, अगर याद है आपको? अब वाह, पहले तो हम पहली बार एनएसडी हॉस्टल आए थे और वहां पे हम लोग मतलब 28 प्रदेश के बच्चे थे, लड़के लड़कियां, हिंदुस्तान के हर स्टेट का, एक कोरिया का भी था, तो हम सब में सांस्कृतिक बहुत भिन्नता भी है ना, बावजूद उसके एक सिमिलरिटी है कि एकता है, तो वो अनेकता को देख के मेस्मराइज था कि यार बताओ इसको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, ये जो भाषा बोल रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मल्टीकल्चरल माहौल था एनएसटी में, वो लड़कियां हमसे बहुत ब्रॉड आधुनिक थी, तो काफी कुछ सीखा मैं वहां पे, मुझे पता चला कि यार देश कितना विशाल है और कितनी कितनी अद्भुत संस्कृतियां और लोग हैं, तो बड़ा पहले थोड़ा सेटअप होने में 1-2 हफ्ते लग गए थे,
लेकिन बाद में उस रंग में रंगा गया और बड़ा अच्छा लगा, और मेरी व्यक्तित्व में जो बदलाव हुआ, निर्माण हुआ, उसमें एनएसडी का और उस मल्टीकल्चरल माहौल का बड़ा योगदान है। तो सर तब की दिल्ली अब की दिल्ली या तब का एनएसडी और अब का एनएसडी में आप क्या बदलाव देखते हैं? दिल्ली में तो बदलाव हो गया है, वो मेट्रो आ जाने से मंडी हाउस का रूप बदल गया। वो सर्कल के पास एक मेट्रो स्टेशन हो गया, और वो सर्कल के बहुत सारे नीम के पेड़ थे आसपास, वो कम हो गए पेड़ मेट्रो के निर्माण में। तो पहले लोग बहुत ग्राउंड में बैठे रहते थे, अब वो लोग नहीं है उतने। इन दिनों जाता हूँ कभी कभार, तो बाकी अब हर किसी को लगता है अपना समय, हमारा समय बहुत कमाल था। अभी जो बच्चे थिएटर कर रहे होंगे, जो मंडी हाउस में होंगे, उनको इस वक्त का मंडी हाउस से उतना प्रेम होगा जितना मुझे उस वक्त के मंडी हाउस से प्रेम है। बिल्कुल। तो बंगाली मार्केट, मंडी हाउस, एनएसडी का कैंपस, रोज सीनियर आते थे, किताबें, लाइब्रेरी में घंटों बैठना, रोज राम शाम को एक परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि मंडी हाउस में 8 ऑडिटोरियम है उस सर्कल के चक आस पास। तो अद्भुत दिन थे वो, अद्भुत दिन थे। मतलब आमदनी रुपई कुछ नहीं थी, लेकिन आनंद बहुत था। तो सर वो फूस के घर से निकलकर आज ये मुंबई के घर तक का जो सफर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये विलक्षण अद्भुत सफर है, मजेदार सफर है। मैं आपके सुंदर चंद ठाकुर जी हैं संपादक एनबीटी के, तो उसमें अंतर ज्ञान एक कॉलम लिखते हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ा हूँ। तो ये सर को पता है, तो वो अद्भुत यात्रा है। और वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन ने तय किया था कि यात्रा करनी है, अभिनेता बनना है। तो एक विकट और विषम परिस्थितियों से एक बंदा, एक व्यक्ति आता है मैं, और अभिनेता बनता है और बहुत प्रेम पाता है, अथाह प्रेम। मैं ऋणी हूँ दर्शकों का और समाज का, इतना प्रेम मिल गया मुझे, मुझे पता नहीं मैं कितना डिजर्व करता हूँ। तो अद्भुत जर्नी है। मुंबई में आए थे, स्ट्रगल था कि कैसे भी एक छत हो जाए, अब लकली छत हो, अच्छा छत हो गया है, बड़ा छत है, छोटा छत नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम ये उतना ही हम्बल और विनम्र बनाता है। सारी उपलब्धियां आपको विनम्र बनाती हैं, कि विनम्र बने रहो, अभिनय में ऊंच नीच भले हो जाए, आचरण में ऊंच नीच ना हो, व्यक्तित्व में खामी ना आए। बेहतर आदमी बनने की लड़ाई चल रही है, उस पर खोज रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को कि कैसे और अच्छा आदमी बने। मैं प्रवचन बहुत करता हूँ यार। सर अगर आपके सालों पुराने अगर इंटरव्यू देखें तो आप उस दौरान काफी, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन उस दौरान वाले कल मैं जब आपके बहुत पुराने इंटरव्यूज देख रही थी तो आप बहुत इमोशनल किस्म के आदमी भी लगे, और अब जब आप इंडस्ट्री में इतने साल गुजार चुके हैं, दुनिया देख रहे हैं, देख चुके हैं, तो अब आपके ये जो व्यवहार है, आपका स्वभाव है, इसमें क्या अंतर पाते हैं? तो आजकल आप कैसे हो रखे हैं, आपका स्वभाव कैसा है? मैं उतना ही इमोशनल हूँ। अभी मैं बोल रहा था ना कि मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे आचरण में और मेरे बिहेवियर में त्रुटि ना हो, तो मैं यहाँ तक भर आया था। मैंने कंट्रोल करके रोका कि यार मतलब अब ठीक है, बहुत साधारण बातचीत है, इसमें इतना भावुक होने की क्या जरूरत है। तो मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ और अक्सर तो सर मैं, ये जो आपका कंट्रोल है कहीं आपको रिजर्व तो नहीं कर देता? नहीं 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 करेगा, क्यों करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि भावनाओं पे भी नियंत्रण तो होना चाहिए ना हमें, कि हमें उसका बहाव कहाँ तक ठीक है। अब एक नॉर्मल इंटरव्यू कर रहे हैं, बट मैं दर्शकों का शुक्रगुजार आभार प्रकट कर रहा था, आपने मेरी जर्नी याद दिला दी, वो फूस के गांव से यहाँ तक। तो मैं वहीं से मैं थोड़ा सा मेंटली मैं चला गया था, आपसे बात करते हुए मैं अपनी यात्रा को देख रहा था और मैं भावुक धीरे धीरे होने लगा था। और मैं बोला कि छत की आवश्यकता थी, अभी छत है, मुझे मालूम है मुंबई में छत होना कितनी बड़ी और कितनी मशक्कत की बात है। तो ये स्वाभाविक है कि इमोशनली भरने वाली बात थी और हुआ। फिर मुझे लगा कि नियंत्रण कर लो, नहीं तो लोगों को लगेगा कि अब ये आदमी हमेशा पास्ट में रहता है और हर बात में भावुक होते रहता है। तो वो रिजर्व मुझे कतई नहीं मनाएगा, क्योंकि मैं हूँ, भावुक व्यक्ति हूँ और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अपने गैर जरूरी है अभी भावुक होना, हम क्रिमिनल जस्टिस शो की बात कर रहे हैं, तो उतना ठीक है, अपनी संवेदना को रखते हैं अपने पास। सर अब अगला सवाल शायद पता नहीं आप क्या सोचेंगे, क्यों पूछते हैं ऐसे, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ, हमारा भी काम है।
तो एक समय था जब छात्र आंदोलन से जुड़े थे, शायद जेल भी गए थे, मुझे कंफर्म नहीं पता। तो क्या भविष्य में आप विधायकी सांसदी में आ सकते हैं या फिर राज्यसभा में मनोनीत होकर जाने का कोई प्लान हो? कल किसने देखा है ये तो पता नहीं। और मैं इस वक्त ये इतना व्यस्त हूँ सिनेमा में कि मेरे पास सोचने का भी फुर्सत नहीं है। अगर मुझे कोई पार्टी से निमंत्रण भी, मैं चाहूंगा कि मैं अगर यदि यदि भविष्य में जब कभी भी अगर गया, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है, यदि हुआ और मौका मिला गया तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं नेता बनूं तो पार्लियामेंट या जिस सभा में जाऊं उस सभा की सारी अटेंडेंस मेरी 100% हो। मैं हर बातचीत में डिबेट में शामिल हो। मेरे पास अभी उतना वक्त भी नहीं है, तो मैं जो करना चाहता हूं बहुत निष्ठा और तन्मयता से करना चाहता हूं। तो राजनीति के बारे में अनुमान नहीं वो, लेकिन अभी तो मुझे अगले 5-10 साल तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अति व्यस्त हूँ सिनेमा में। और मैं जहां रहता हूँ उस सेक्टर के साथ पूर्णतः ईमानदारी बरतना चाहता हूँ कि उसमें एक पैसे का भी खोट ना हो, ईमानदारी पूरी हो। तो सर, अभी आपने जब सिनेमा का जिक्र किया, तो आप पर्सनली किस तरह का सिनेमा पसंद करते हैं? थोड़ी सी अलग, मतलब मेन स्ट्रीम वाली नहीं, जैसे किला, कोर्ट, तिथि, अभी अभी वो नाम भूल रहा हूँ जिसको मलयालम फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, देखा अभी 1 हफ्ते पहले, निश्चलम, निश्चय, निश्चयलम समथिंग नाम था, या नया टू। तो मैं मलयालम सिनेमा, इन दिनों जो वहां की जो फिल्में बनती हैं उसको देखता हूँ, और मैं पसंद अच्छा, वैसा आजकल ज्यादा। मलयालम और मराठी सिनेमा की बहुत तारीफ होती है, जी कहीं जी कहीं वो अच्छी पंजाबी बन सिनेमा का भी उभर कर। रही, अच्छी बन रही है, उसमें अच्छी बन रही है तो तारीफ होनी चाहिए। सर, एक सवाल आपकी छवि से। आपकी जो छवि है वो बहुत कॉमन मैन इमेज वाली है लोगों के बीच, और मैंने देखा है अक्सर अक्सर लोग सोशल मीडिया पे ना आपको लेकर लिखते भी हैं कि पंकज सर बदल मत जाना। तो सर, ये जो फैंस का प्यार है, थोड़ा सा प्रेशर है, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, प्रेशर कुछ नहीं है। मुझे बताओ, मुझे पता है ना मेरी बुनावट कैसी है, मेरा सॉफ्टवेयर कैसा है। तो मुझे ठीक है, उनका प्रेम है कि आग्रह करते हैं या सावधान करते हैं कि बदलना मत, तुम अलग हो, तो ये अच्छी बात है, मैं स्वीकारता हूँ उसको। बट मैं भी अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, विवेचना करते रहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। पहले भी बोला कि मेरी आचरण में त्रुटि ना आए, अभिनय ऊंच नीच चलेगा, चांसेस नहीं है, मतलब जिसका जैसा नेचर होता है वैसा ही रहेगा। मुझे सफलता भी नहीं बदल सकती है और असफलता भी नहीं बदल सकती है। तो सर, मेरा आखिरी के दो सवाल। पहला कि आजकल ये जो बॉयकॉट का ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो ये बतौर अभिनेता आप कैसे देखते हैं? हम लोकतांत्रिक समाज हैं, लोकतंत्र में हर किसी को असहमति का अधिकार है, लेकिन जो तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे आंदोलन चलते हैं, वो आंदोलन का धरातल पर कितना असर होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आसान है ना सोशल मीडिया पे आंदोलन करना, कहीं जाने की जरूरत है नहीं, 5 मिनट निकाल के मोबाइल पे गए और कुछ लिख के आ गए। तो बट असहमति का स्पेस सबको है, लेकिन किसी भी चीज से असहमत होने के पहले 10 बार उसके बारे में सोच परख के, अपना तार्किक बुद्धि इस्तेमाल करके लगा के उसके बाद निर्णय करना चाहिए। और बाकी मेरी कोई राय नहीं है, असहमति का स्पेस सबको है। जिसको सिनेमा पसंद नहीं आएगा ऐसे ही लोग नहीं देखेंगे, और अब सिनेमा पसंद आएगा तो लोग देखेंगे, तो देखेंगे। पसंद नापसंद की बात है, और वो भी बड़ा सिलेक्टिव है। जो सिनेमा मुझे बेहद पसंद है वो हो सकता है 100 लोगों को नापसंद हो, बड़ी संख्या में नापसंद हो लोगों को। सर, आखिरी आखिर में एक रिक्वेस्ट कि आपका कोई किस्सा, पर्सनल, प्रोफेशनल या कोई सीक्रेट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मेरा सीक्रेट यही है कि मेरा कुछ भी सीक्रेट नहीं है, क्योंकि ये तो शेर वाला जवाब हो गया, मैं खुली पुस्तक स्मार्ट। हूँ। तो नहीं, स्मार्ट जवाब नहीं है ये, बहुत हद तक यही सत्य है, क्योंकि क्या सीक्रेट, कोई सीक्रेट, हाँ मेरा सीक्रेट यही है कि मैं अपने निजी जीवन को बहुत ज्यादा सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूँ। मैं रोज बोट से आता जाता हूँ ये मठ से इधर,
अब मैं देखता हूँ कि अब उसको क्या मैं वीडियो बना के डालूं कि लुक गाइस लुक मैं ये ट्रांसपोर्ट में आता हूँ। मेरा वो कॉमन है, मेरे को लगता है ठीक है इसको क्या। कई लोग मिल भी जाते हैं, पहचानते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ रहने दो, मेरा मार्ग ही है, मैं पैदल जाता हूँ उस गली में, आज भी जाता हूँ तो, या स्कूटी से जाता हूँ, मेरे पास स्कूटी एक है। तो अब ये नहीं, अब ये अगेन कुछ लोगों को लग सकता है आदमी हम्बल बनने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, इसलिए मैं चुप होता हूँ, नहीं अपने निजी जीवन की बातें बहुत ज्यादा करता हूँ, बाकी सीक्रेट कुछ नहीं है। और किस्सा क्या बताएं, बहुत किस्सा सबको पता है, सारा किस्सा, प्रेम कैसे हुआ, विवाह कैसे हुआ, अभिनेता कैसे बना, गांव से कैसे निकला। तो अब मैं भी किस्सा बता बता के कई बार लगता है कि उन्हीं किस्सों को दोहराऊंगा जो लोग आपके नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म पे सुन चुके होंगे। मतलब ये होता है कि हम लोग जब बातचीत करना, जैसे मैं हूं, मैं कल से अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं सोच रही थी मुझे क्या जवाब देंगे, वो तो कहेंगे कि मैं देता आया हूँ, मैं दे चुका हूँ, बस एक औपचारिक रूप से कह देंगे कि हाँ नहीं, नहीं, तो एक होता है मतलब। हाँ नहीं, आप बिल्कुल, आपने प्रिपरेशन किया, आपका प्रश्न है और मेरा दायित्व है कि मैं उसका उत्तर दूं, तो मैंने दिया है उन्हीं बातों को कि हम अपने निजी जीवन को बचा के, मुझे लगता है कि इसका सब बताना ऐसा भी ना लगे कि यार ये व्यक्ति देखो अपनी अपनी हम्बलनेस का बहुत प्रचार कर रहा है, अपने रूटेड होने का, क्योंकि आजकल मुंडे मुंडे मति भिन्ना, जितने दिमाग है उतने मत है। हाँ, और सोशल मीडिया पे तो फोन हमने खरीदा था कि हम चलाएंगे और पता ही चल रहा है कि फोन अब हमें चला रहा है। तो शुक्रिया सर, एक बार फिर धन्यवाद आपका और जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद वर्षा का।